हेलो क्लास, वेलकम टू आसान शिक्षा। आसान शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, जो कि TGT, PGT, GIC एग्ज़ाम के लिए, नेट JRF के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए चलते हैं आपके साथ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है, द कॉज ऑफ द सेडिशन इज ऑलवेज टू बी फाउंड इन इनइक्वालिटी। ये स्टेटमेंट किसने दिया है? ये स्टेटमेंट एरिस्टोटल ने दिया है। मैंने पहले भी आपको बताया है, एरिस्टोटल इज रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। सेकेंड स्टेटमेंट भी आपका एरिस्टोटल से ही रिलेटेड है। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल द एंड ऑफ स्टेट इज एथिकल, द एंड ऑफ स्टेट इज एथिकल। नंबर थर्ड क्वेश्चन देखिए क्लास, द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी वॉज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन टू पॉलिटिक्स बाय। क्या बोला है? द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी वॉज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन टू पॉलिटिक्स बाय जीन बोर्डन। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, हु इज रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ मोनिस्टिक थियरी ऑफ सॉवरेनिटी, तो आप किसका नाम लेंगे बताइए? जॉन ऑस्टिन का। ठीक है, याद रखिएगा, कभी अगर ये क्वेश्चन पूछे तो जॉन ऑस्टिन का नाम आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन को देखिए, जेएस मिल रोट अ फेमस बुक ऑन लिबर्टी इन द ईयर, किस ईयर में जेएस मिल ने इस बुक को लिखा था? हमने लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस भी किया है, किस ईयर में लिखा था? 1859 में लिखा था। ठीक है, लिबर्टी में नेचुरल राइट की बात करते हैं, जेएस मिल तीन नेचुरल राइट की बात करते हैं, लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और बताइए, अभी नेक्स्ट उसमें पूछूंगी मैं आपसे। यहां पे देखिए, मैन व्हेन सेपरेटेड फ्रॉम द लॉस एंड जस्टिस इज द वर्स्ट ऑफ ऑल एनिमल, ये स्टेटमेंट किसने लिखा है? ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? तो ये भी स्टेटमेंट आपका एरिस्टोटल के ही द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ग्रेट बट अनग्रेटफुल प्यूपिल ऑफ हिज मास्टर हु वॉज बॉर्न इन 384 BC। लास्ट क्लास में हमने बताया था 322 BC में इनकी मृत्यु हुई थी, ही वॉज डाइड। अब बताइए आंसर क्या है इसका? इसका आंसर है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल इज रिगार्डेड एज ग्रेट बट अनग्रेटफुल प्यूपिल ऑफ हिज मास्टर। एरिस्टोटल का मास्टर कौन है? प्लेटो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग वॉज पब्लिश इन 1690 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ, ये किसका वर्क है? ये जॉन लॉक का वर्क है, याद रखिएगा। जॉन लॉक से रिलेटेड इनके दो वर्क आप याद रखेंगे, पहला तो हमने डिस्कस किया एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, दूसरा आप क्या याद रखेंगे? टू ट्रिटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, टू ट्रिटीज ऑफ गवर्नमेंट याद रखिएगा। तो थैंक यू सो मच क्लास, आज के लिए इतने थोड़े से ही क्वेश्चन। नेक्स्ट सीरीज में हम फिर और क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। इसी तरीके से आसान शिक्षा के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।